नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बुक में भारत के भूगोल का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को भारत के जलवायु के पहले के क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूँ। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं, वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत के जलवायु और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, इसमें भारत की जलवायु का जो टॉपिक, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है मानसून पूर्व वर्षा, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय तौर पर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वह है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त कर होती है, जो भारत के औसत वार्षिक वर्षा का 10% होती है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और कर्नाटक के सामान्य बात है। स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों के जल्दी पकने में सहायता प्रदान करती हैं। कर्नाटक में इसे काफ़ी वर्षा और चेरी ब्लासम वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय, विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम बात है, चाहे आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? तो आम वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रीष्म गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय, विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय आम्र वर्षा या आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। यह आम के वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। मुंबई की अनुवात दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पे भारी बारिश होती है। तो किसके अनुवात खड़ी है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट के। किसके? तो पश्चिमी घाट के, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुंबई जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तट की ओर स्थित है, इसे जिसमें जिससे तूफान मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर मुंबई में भारी वर्षा करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने से कम वर्षा प्राप्त करता है। अगला है, में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है, जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं। तो कहाँ पे? तो केरल में आने वाले स्थानीय तूफानी वर्षा को आम्र बौछार या आम्र वर्षा कहा जाता है। यह आम की फसल को पकाने में सहायता प्रदान करते हैं। यह वर्षा ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पूर्व गर्म पवन व आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। अगला है, लू एक प्रकार की है। तो लू एक प्रकार की क्या है? तो वह उष्ण लहर है। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण या गर्म तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ये हवाएं मई तथा जून माह में चलती हैं। लू के समय तापमान जो होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आगे चलते हैं, भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएँ शीतलहर का कारण बनती हैं। तो कहाँ से? तो हिमालय से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो शीतलहर का कारण बनती हैं। तो भारत के मैदानी इलाकों में दिसंबर जनवरी के शीतकालीन महीनों में पूर्व दिशा मतलब हिमालय से चलने वाली हवाएं जो हैं शीतलहर कहलाती हैं। लू गर्मी के मौसम के दौरान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों के ओर उड़ती है। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाले प्रचंड उष्ण और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। यह गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान से उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कि चरम जलवायु है। तो किसकी चरम जलवायु है? वह है दिल्ली की। दिल्ली की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर होता है। ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक लंबा तथा अत्यधिक शुष्क रहता है, तथा दिसंबर एवं जनवरी में ज़्यादा ठंडा और कोहरा रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून में उत्पन्न होता है। कहाँ पे उत्पन्न होता है? वह आपका हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। यह मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वह है भारत की मिट्टियाँ। तो मिट्टियाँ में जो पहला क्वेश्चन है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है रेगुर मिट्टी का? तो है काली मिट्टी। काली मिट्टी
की एक विशेषता यह है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग और मैसूर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लौह तत्व पाए जाते हैं तथा पोटास, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह कपास की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला है, मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। किस मिट्टी को? तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में जाना जाता है तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस है, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती इस मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला, इसमें किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो वह है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार जो है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह भारतीय मृदा का तीसरा विशालतम वर्ग है। इस मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका विकास महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के दक्कन लावा बेसाल्ट के अपक्षय से हुआ है। अगला, लैटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। क्या विकसित होती है? तो उस समय उच्च तापमान और भारी वर्षा विकसित होती है। इसके बाद में देख लेते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी जो होती है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा, एल्युमिनियम अधिक होता है। यह चाय और कहवा की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को? तो मिजोरम को। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में लुढ़कती पहाड़ियों, घाटियों और नदियों और झीलों की भूमि है मिजोरम। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो किस राज्य में पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में। काली मिट्टी मुख्यतः जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश तक कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। अगला, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट पे ज़्यादातर जो होती हैं जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कैसी? जलोढ़। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा जो होती हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसे दोमट एवं कछार मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को कपास या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी का विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह देश में सबसे अधिक 43% भूभाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटास और चूना पाया जाता है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है। यह मिट्टी गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए बहुत उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी लावा निर्मित मिट्टी होती है। इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। पानी से यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो होता है दक्कन पठार वाले क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक आदि तक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को
चेरनोजम कहा जाता है। क्या कहता है? चेरनोजम कहा जाता है काली मिट्टी को, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कही जाती है। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी है, तो गंगा के मैदानी इलाकों में जो मिट्टी है वह है कछारी मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? कछारी। भारत के उत्तरी मैदान कछारी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी द्वारा आच्छादित है। हिमालय पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के मध्य सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल और महत्वपूर्ण मैदान स्थित है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से में पाई जाती हैं, तो कहाँ पे पाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी? तो कर्नाटक में पाई जाती हैं। तो लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लैटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। इस मिट्टी में कहवा काजू का उत्पादन अधिक होता है तथा चावल, कपास और मोटे अनाज, गेहूं, चाय, रबड़ तथा सिनकोना आदि की खेती की जाती है। आगे है दोस्तों, तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी जो का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो कौन सी मिट्टी वह है? लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लैटेराइट। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है करेवा। करेवा मिट्टी या गाद का एक प्रकार है। यह कश्मीर घाटी का झील निक्षेप है। इसे हिमानी के मोटे निक्षेप या हिमोड़ उपस्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल सरोवरों में मिलने वाली झीली निक्षेपों को भी करेवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार का निम्नीकरण भारत में अत्यधिक देखने को मिलता है? तो किसमें? तो मृदा अपरदन में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मृदा अपरदन द्वारा भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली भौतिक प्रक्रिया है। पुरानी जड़ों मिट्टी को के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है पुरानी जड़ों मिट्टी को बागर। क्या कहा जाता है? बागर। पुरानी जड़ों मिट्टी को निर्मित मृदा को बागर कहते हैं। तथा बागर मिट्टी में रेत और कंकड़ पाए जाते हैं। बागर मृदा जो होते हैं मैदान की ऊंची सतह में पाई जाती हैं। नवीन जड़ों मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन को खादर और पुराने को बागर। आगे देखते हैं, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी के लिए कपास है। तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल जो है कपास है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं। अगला, भारत में कपास की फसल उगाई जाती है कहाँ पे? काली मिट्टी में। तो कपास की फसल कहाँ पे उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो सौधी खुशबू को कहते हैं पेट्रीचर। क्या कहते हैं? पेट्रीचर कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौधी खुशबू को पेट्रीचर कहते हैं। शुष्क मृदा के दौरान कुछ पौधे द्वारा निर्मित तेल से उत्पन्न गंध मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो बारिश के दौरान जियोस्मिन नामक कार्बनिक यौगिक तथा एक्टिनेरो बैक्टीरिया के साथ हवा में मुक्त किया जाता है, जो गीली मिट्टी द्वारा विशिष्ट सुगंध का उत्सर्जन होता है। अगला, मृदा के अध्ययन को उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने से उसे कहते हैं भूमि विज्ञान। क्या कहते हैं? भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो है भू विज्ञान है। भू विज्ञान में मृदा की उत्पत्ति, मृदा आकार की तथा मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों समुद्री लहरों द्वारा जमा किए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को जमा किए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी वह मृदा व अवसाद है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया गया कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, जिसमें गाद, सिल्ट, मृदिका के महीन कण तथा बालू और बजरी के बड़े कण भी होते हैं। सभी प्रकार के मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री हैं। तो कौन सा मूलभूत सामग्री? वह है चट्टान। सभी प्रकार के मिट्टी के गठन के लिए चट्टान जो होते हैं मूलभूत सामग्री हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित
कणों को मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान या शैल पाई जाती हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग जो है लाल होने के कारण क्या है? लाल रंग होने का कारण जो होता है, मेन कारण होता है फेरस ऑक्साइड की मौजूदगी। लाल मिट्टी का जमाव पठारी भागों में पाया जाता है। इसमें धातुओं और खनिजों की अधिकता होती है, जिसमें लौह तत्व, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम, चूना पत्थर मात्रा में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो आक्सीकृत होकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। यह मिट्टी मूंगफली, तंबाकू, बाजरा, रागी आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो वह है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वह कछार या एलुवियल मिट्टी उसे बोला जाता है। तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जो है कछारी या जलोढ़ मृदा है। इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। भारत में इस प्रकार की मृदा कुल क्षेत्रफल के 40% लगभग भाग पर विस्तृत है। भारत में उत्तर का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के मैदान इसी मृदा से निर्मित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो होती है, न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी है। इस मिट्टी के कण का आकार जो होता है 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास का होता है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जल धारण शक्ति कम होती है, जल धारण की क्षमता जो होती है कम होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसका निर्माण जो होता है रवेदार और कायांत्रित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरकता विहीन है, बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। कि हिम की वजह से होने वाले अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहता है हिमोड़ निर्माण। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को हिमोड़ निर्माण कहा जाता है। हिमोड़ जो होते हैं हिमनद चट्टान के जमाव के कारण लंबी कटकर निर्मित होती हैं। हिमद जो होते हैं अर्थात हिमनद अपने साथ लाए गए अवसादों को अपने किनारों पर छोड़ता जाता है, जिससे हिमोड़ कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वह है भारत में वन और वन्य जीव वनस्पतियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर में है। तो गिर कहाँ में है? तो वह आपका गुजरात में है। वर्ष 1965 में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। यह भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ उद्यान है। गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान में मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन तथा कुछ मार्शलैंड उपस्थित हैं। इन उद्यानों में एशियाई शेर, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, पक्षी, सियार आदि पाए जाते हैं। अगला जो है इसमें पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पे नए पेड़ लगाना। तो इसके बारे में देख लेते हैं, तो पुनर्वनरोपण एक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत नष्ट हो चुके वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाए जाते हैं। भारत सरकार ने 1952 में भारतीय वन नीति लागू किया, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भूमि का 1/3 भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, परंतु अभी तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। अगला है, इनमें से किस जंगल के पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं पानी में डूबी रहती हैं? तो वो होता है मैग्रोव वन। कौन सा वन हो जाएगा? मैग्रोव वन हो जाएगा। तो मैग्रोव वन के पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है पानी में डूबी रहती हैं, क्योंकि इस ए वन समुद्र नदियों के मुहानों पर पाए जाते हैं। मुख्यतः खारे पानी में इसका विकास होता है। विश्व में मैग्रोव वनस्पतियां में लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल मैग्रोव में खारे पानी की सहन करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो मैग्रोव वन का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो होता है मैग्रोव वन का एक उदाहरण है। मैग्रोव वन मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पाया जाता है।
भारत में सुंदरवन का क्षेत्र जो होता है 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 4263 वर्ग किलोमीटर में मैग्रोव विद्यमान है। अगला, भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो हो जाएगा मैग्रोव वन। कैसे वन? मैग्रोव वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है मैग्रोव वन के बारे में सही नहीं है, तो मैग्रोव वन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्रोव वृक्ष जो होते हैं ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, यह गलत है। इसके इसमें देख लेते हैं, तो मैग्रोव वन के अंतर्गत छोटे पेड़ तथा झाड़ियाँ आती हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। मैग्रोव वन उच्च नमक एवं कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। मैग्रोव वातावरण की मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या शून्य होती है। मैग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय छांसों के मध्य तट रेखाओं के पास पाए जाते हैं। मैग्रोव वन जो होते हैं समुद्री तट की तूफानी लहरों और ज्वार से समुद्री कटाव को कम करते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव वन क्षेत्र है। अगला है, उत्तर ध्रुवी वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपका टुंड्रा आएगा, उसके बाद टैगा आएगा, फिर समशीतोष्ण वन होगा, फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं, तो उत्तर ध्रुवी वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के निम्नलिखित चक्र से होकर गुजरना पड़ता है, टुंड्रा, टैगा व प्रदेश, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। टुंडा वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो टुंडा वनस्पतियाँ जो हैं हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में। टुंडा वनस्पति क्षेत्र जो होता है 4500 से 800 मीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती हैं। इसके अलावा यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस एवं साइबेरिया में भी पाई जाती हैं। टुंड्रा एक बायोम है, यहाँ पे वृक्षों की वृद्धि कम होने के कारण तापमान में कमी है। ये वनस्पतियाँ मुख्यतः बौनी झाड़ियों, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बनती हैं। अगला जो है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय प्रजाति नहीं है, तो कौन सी स्थानीय प्रजाति नहीं है, तो वह है हिस्पीड हरे। हिस्पीड हरे जो है स्थानीय प्रजाति नहीं है। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट जो होता है भारत के सबसे ज़्यादा वर्षा क्षेत्रों में से एक है। यह जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक है, साथ ही कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभ्यारण को भी समावेशित करता है। पश्चिमी घाट में स्थानीय रूप से नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सेवेट, नीलगिरी तहर आदि निवास करती हैं। अगला, निम्न लिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती हैं, तो कौन सी है? नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर जो है भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है। यह तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का है? तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है, जो एक प्रकार का जंगली बकरा है। नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स या सिर्फ आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे IUCN में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो वह है चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। तो भारत में पर्वतीय वनों का विस्तार असम से कश्मीर तक है। ये वन ऊंचाई के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में अंतर पाया जाता है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2000 मीटर तक शीतोष्णकटिबंध चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनमें ओक, देवदार आदि वृक्षों की अधिकता है। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोटधारी वन उगते हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर तथा ब्लू पाइन आदि वृक्षों की प्रधानता रहती है। अगला, कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा राज्य है, तो है कर्नाटक। चंदन के उत्पादन में भारत का सर्वोच्च स्थान है, इसका आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है। यह भारत के अन्य भागों में कहीं कहीं पाया जाता है। भारत के 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक के कुछ ऊंचे स्थल और मलयद्वीप इसके मूल स्थान हैं। कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 60 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होने के कारण इस राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। इस क्षेत्र में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, इसे मरुद्भिद कहा जाता है, जैसे नागफनी, बबूल और कैटस।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को की साइलेंट घाटी में पाया जाता है। किसकी साइलेंट घाटी में? तो वह केरल के साइलेंट घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है। साइलेंट घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, जो विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है। शांत घाटी में वृक्ष प्रजातियों की बहुत ज़्यादा है, संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। अगला, भारत किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जबकि प्रतिशत के आधार पर सबसे सर्वाधिक वन क्रमशः लक्षद्वीप में 90.33%, मिजोरम में 85.41%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.74% तथा अरुणाचल प्रदेश में 79.63% होते हैं। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी का नाम है बिल्लो। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए बिल्लो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम सैलिक्स एल्वा है। क्या है? सैलिक्स एल्वा है। यह भारत में मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? तो वह है पर्णपाती वन। कौन सा वन हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। हुलूक गिब्बन नामक का जानवर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो पूर्वोत्तर भाग में हुलूक गिब्बन ब्रह्मपुत्रा नदी से दक्षिण और दिहांग नदी से पूर्व में मिलता है। यह 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विस्तृत है। भारत में हुलूक गिब्बन की दोनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है कृषि और पशुपालन। इसमें है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 में हुई थी। भारत में वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस जो है 2001 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं जो आपका खरीफ का फसल नहीं है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें जो है गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। और खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें में धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन आदि हैं। रबी और खरीफ फसलों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जायद मौसम। क्या? जायद मौसम। भारतीय जलवायु की विशेषताओं के आधार पर यहाँ मुख्य रूप से तीन फसली मौसम पाए जाते हैं। पहला जो होता है रबी का, तो रबी जो होता है नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक होता है। इसके मुख्य फसल जो है चना, गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि हैं। आगे देखते हैं, इसमें खरीफ की जो फसल है उसमें जो मई जून में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसमें धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली, चना होता है। और जायद जो होता है रबी के बाद खरीफ के पहले अप्रैल से जून के मध्य बोई जाती है। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, चरी, मूंग आदि होते हैं। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो वह है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में धरातली और भौम जल सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातली जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% भाग उपयोग किया जाता है। घरेलू क्षेत्र में धरातली जल का उपयोग 9% किया जाता है। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है? किस रंग क्रांति से है? तो वह भूरी क्रांति से। चमड़ा या कोको का संबंध इसके बारे में देख लेते हैं। तो भूरी क्रांति जो होती है कोको या चमड़ा से संबंधित होती है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से होती है। धूसर जो है उर्वरक क्रांति से है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम और कोयला से है। उसके बाद है MS स्वामीनाथन भारत में इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित हैं? तो ये हैं हरित क्रांति से।
एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने मैक्सिको या मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म को भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया था। इनके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। इसे विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति का संबंध फार्मास्यूटिकल प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। पीली क्रांति जो होती है इसका संबंध तिलहन से होता है। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे होता है, तो रजत जो होता है वह आपका अंडे से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, अंडे से। तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से होता है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से होता है, हरित क्रांति जो होता है कृषि उत्पादन से होता है। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन है, तो प्रमुख खरपतवार जो है वह है एकिनोक्लोवा क्रूस गैली जिसे बार्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार जो है एकिनोक्लोवा क्रूस गैली जिसे बार्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं, इसका उद्गम जो है जापान को माना जाता है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित होती है। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है। इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। भारत में हरित क्रांति की जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इनमें से कौन सी फसल जो है सूखा या सहिष्णु फसल है, तो कौन सा है, वह है बाजरा। बाजरा जो है विपरीत परिस्थितियों एवं सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाए जाने वाली सूखा सहिष्णु कम अवधि 2 से 3 माह की फसल है, जो लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। इसका प्रयोग दाने और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह जलमग्नता तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला है इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है, तो वो होता है पांच दो या दो से अधिक फसलें उगाना। अगला अंतर फसल प्रक्रिया, यह एक प्रकार की खेत में पांच दो या दो से अधिक फसलों की खेती है। जैसे किसी खेत में बोए गए गन्ने की फसल का अंकुरण वृद्धि मंद होती है, अतः इस खेत में गन्ने के साथ खेत को खाली स्थान में अन्य फसलें जैसे सरसों लहसुन जाड़े में, मूंग उड़द प्याज गर्मी में आदि उगाई जा सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य जो होता है पारिस्थितिकी प्रक्रिया के संसाधनों का उपयोग करके किसी दिए गए भूमि के टुकड़े पर अधिक उपज का उत्पादन करना है। भारत में चाय और काफ़ी की फसल जो है फसलों की किस श्रेणी में आती है, तो वह वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आती है। भारत में चाय और काफ़ी की जो फसलें होती हैं वृक्षारोपण फसलों के श्रेणी में आती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, जो बागवानी फसलें होती हैं इसमें केरा अंगूर आलू प्याज इलायची अदरक हल्दी आदि हैं। नगदी फसलें में देखेंगे तो यह जूट कपास गन्ना संतरा आम कोको, और खाद्य फसलें देखेंगे तो गेहूँ जौ धान मक्का दाल इत्यादि हैं। मीठी क्रांति यानी स्वीट रिवोल्यूशन इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है, यह शहद के उत्पादन से, किससे, शहद के उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति का संबंध जो होता है शहद क्रांति से, इसका उद्देश्य शहद के उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसानों की आय में इजाफा करना है। संकर तिलहनों की बुआई के वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्रांति कहा गया। कौन सी क्रांति कहेगी, तो पीली क्रांति कहेगी। कौन सी क्रांति, पीली क्रांति। काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है। स्वर्ण क्रांति बागवानी शहद और फल उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन से। भूरी क्रांति चमड़ा उद्योग और कोको उत्पादन से। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से। रजत क्रांति जो है अंडा या कुक्कुट उत्पादन से हो गया। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन से की जाती है।
भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्यायन से, किससे मतलब मछली पालन से हो जाएगा, तो मत्स्यायन से नीली क्रांति का संबंध होता है। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति और कृषि उत्पादन में हरित क्रांति संबंधित होता है। रेशम उत्पादन जो है सिल्क क्रांति से संबंधित होता है। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? किसका संबंध और नॉर्मल ई बोरलॉग का संबंध जो है भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का पिता माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने 1946 में अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की थी। अगला है कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को भारत में किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है? तो किस राज्य में, तो है मध्य प्रदेश राज्य में। कर्तन और दहन प्रणाली एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि प्रणाली है। किसान पेड़ों और झाड़ियों को काट कर और उनको जलाकर जमीन को साफ करते हैं और उस जमीन पर खेती का कार्य करते हैं। इस प्रकार की कृषि में खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तथा जमीन के अनुपजाऊ होने पर वह जमीन छोड़कर दूसरी जगह की जमीन पर यही पेड़ों और झाड़ियों के कर्तन या दहन के प्रक्रिया अपनाकर खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती को असम में झूम खेती, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में वेवर और केरल में पोनम कहा जाता है। समुच्चय जुताई क्या है? तो समुच्च जुताई क्या होता है? यह समुच्च जुताई जो है समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना होता है। समुच्च जुताई जो है समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई और भूमि के क्षरण को रोकने के लिए की जाने वाली कृषि तकनीकी है जिसमें भूमि की बुवाई, जुताई और भू परिष्करण और खरपतवार नियंत्रण करना शामिल है। अगला है विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह है आपका महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विटीकल्चर के द्वारा महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। विटीकल्चर या ऐसे द्राक्षा कृषि भी कहते हैं। तो द्राक्षा कृषि अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो वह है गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य से शुरू हुई। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सबसे पहले डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है के अधीन गुजरात सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए। उर्वरकों की क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरकों की क्रांति का संबंध जो है भूरी क्रांति से है। भूरी क्रांति जो होता है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो होता है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो होता है फल से होता है। लाल क्रांति जो टमाटर या मांस से होता है। काली क्रांति जो होता है कच्चे तेल से संबंधित होता है। भेड़ की त्वचा एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कर्तन। क्या कहा जाता है? कर्तन। तो भेड़ की त्वचा की पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को कर्तन कहा जाता है। क्या कहता है? कर्तन। के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें, किसके अलावा? तो गेहूं के अलावा जो सभी फसलें क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। गेहूं रबी की फसल है जबकि ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार आदि खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में तथा खरीफ की फसलों की बुआई होती है जून जुलाई में की जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लेस एंड वर्न कृषि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डीपा। क्या कहता है? डीपा। झूम कृषि अथवा कर्तन दहन प्रणाली में किसान जमीन के टुकड़ों को साफ कर उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम, मणिपुर में पमालू तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। अगला है भारत में धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध निम्न में से किससे है? तो वह उर्वरक उत्पादन से। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। धूसर क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन जो होता है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो होती है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो है कोयला उत्पादन से संबंधित है। कच्चा तेल भी काली क्रांति से संबंधित है। अगला है इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे? तो वर्गीज कुरियन को।
वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 ईस्वी को कोझिकोड केरल में हुआ था। इन्हें भारत के श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं। इन्हें रेमस मैग्नेशिय पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? तो पीली क्रांति जो होता है तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है। पीली क्रांति जो होता है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2019 से 2020 में 34.19 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय को जाता है, तो किसको जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जो होता है एमएस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एमएस स्वामीनाथन तथा विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गार्ड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने इनमें से प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसमें निभाई थी प्रमुख भूमिका, तो वह था हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला जो है अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल को खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है। निम्न में से क्या है? तो वह है मक्का। क्या है? मक्का। तो मक्का जो है वनस्पतिक नाम जो होता है जी मे है। क्या नाम है वनस्पतिक नेम? तो जी मेज है। एक प्रकार का खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। यह मुख्यतः खरीफ की फसल है। यद्यपि देश के कुछ भागों में यह रबी की फसल के रूप में भी उगाई जाती है। भारत के अधिकांश मैदानी भाग से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। मक्का उत्पादन के लिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे वर्ष भर उगाया जा सकता है। मक्का का प्रयोग जो है खाद्य फसल के साथ साथ पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। अगला, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी जो होता है दक्षिण भारत में उगाई जाती है, जिसमें कर्नाटक जो है 71%, केरल जो है 21%, तमिलनाडु जो है 5%। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है? वह है आपका कर्नाटक। इसके बाद है को भारत के मसालों के बागीचे के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको? तो केरल को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है, जबकि जयपुर को भारत के गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। मुंबई शहर को भारत का हॉलीवुड या पूरे शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। भारत में मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद शहर को एवं जमशेदपुर शहर को भारत का इस्पात नगरी या पिट्सबर्ग कहा जाता है। मंसूरी को पर्वतों की रानी, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में बेंगलुरु एवं पंजाब राज्य को पांच नदियों की भूमि कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वह है मध्य प्रदेश। पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है राजस्थान, चौथे पे है कर्नाटक और पाँचवें पे है आंध्र प्रदेश। अगला है इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो कौन सी रोपण फसल नहीं है? वो है आपका बाजरा। बाजरा जो है रोपण फसल नहीं होती, ऐसी फसलें जिन्हें एक बार बोने के बाद काफ़ी समय तक उपज प्राप्त किया जा सके रोपण फसलें कहलाती हैं, जैसे काजू, चाय, कॉफ़ी, पिस्ता आदि। अगला है केसर एक प्रकार का उत्पाद है, किस कहाँ का उत्पाद है केसर? तो जम्मू कश्मीर का एक उत्पाद है। केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तथा पंपोर में की जाती है। कश्मीर में पाए जाने वाली करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका वनस्पतिक नाम जो होता है वो उसका नाम है क्रोकस सटाइवस है। विश्व में केसर उत्पादन प्रमुख देश फ्रांस, स्पेन, भारत, इटली, ग्रीस, जर्मनी, जापान, रूस इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है?
तो जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किन में केसर की खेती की जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। वो भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है, वह है केरल। केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देश में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय भी केरल या कोट्टायम में ही स्थित है। भौगोलिक दृश्य से रबड़ के वृक्ष जो होते हैं भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध जिसे लेटेक्स कहते हैं से रबड़ तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग मोटर के ट्यूब, टायर, वाटरप्रूफ कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल जो है आपका बाजरा है। क्या है? बाजरा है। खरीफ की फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं तथा अक्टूबर में काटा जाता है। खरीफ की फसल जो होती है जिसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, सोयाबीन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो वह हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, वह आपका जूट हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर स्थापित हुआ। इस उद्योग के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं, गोल्डन फाइबर के। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी राज्य है, तो वह क्या हो जाएगा, अग्रणी उत्पादक है, तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का 60% जूट का उत्पादन भारत में होता है। जूट मुख्य रूप से गंगा के डेल्टा में पैदा की जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम तथा बिहार दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य वह है गुजरात। तो प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार गुजरात में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि पश्चिम बंगाल जूट का और असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो वह है महाराष्ट्र। अग्रणी उत्पादक जब देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कपास उत्पादन राज्यों का क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले जो है आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद गुजरात में होता है, उसके बाद तेलंगाना में होता है कपास का। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह संतरे के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। तो नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है, इसे संतरों की नगरी भी कहते हैं नागपुर को। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है, तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम जो होता है उसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। वृक्षों की राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसे झूम कृषि भी कहते हैं। अल्फांसो किस फल की किस्म है, तो अल्फांसो जो है आपका आम की किस्म है। अल्फांसो प्रजाति को आमों का राजा कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस आम को हाफूस, कर्नाटक में आपूस के नाम से भी जाना जाता है। अल्फांसो नाम का GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, तो गेहूं का है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निम्न खाद्यान्नों में उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर, इसमें गेहूं है, जौ है, गन्ना है, आलू है, मसूर है। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है, तो वह है आपका पश्चिम बंगाल। इसके आगे देख लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल और अग्रणी उत्पादन में देखें, राज्य और अग्रणी उत्पादन में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में चावल और जूट सबसे ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में मक्का और फल सबसे ज़्यादा होता है। केरल में काली मिर्च और प्राकृतिक रबड़ होते हैं और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न गेहूँ, गन्ना। एक बागानी फसल है, तो कौन बागानी फसल है, तो यह चाय जो है बागानी फसल है। भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि आते हैं बागानी फसलों में। भारत का कौन सा राज्य है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होता है जो ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। तो भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है महाराष्ट्र है।
तथा विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में चीन प्रथम तथा भारत का स्थान दूसरा है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश तथा दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। गन्ना एक लंबी अवधि और उच्च वर्षा की आवश्यकता वाली फसल है। उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक है, किसमें अग्रणी है? वह है गन्ना में। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार जो फसल है वो कौन सा है? तो दलहन है। तो दलहन जो फसलों के अंतर्गत चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलें पाई जाती हैं। जो फलीदार फसलें होती हैं, भारतीय फसलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। खरीफ फसलों में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन आता है। रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि आता है। जायद की फसलों में देखेंगे तो कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, टमाटर आदि। दलहनी फसलों के बीजों का मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेघालय की प्रमुख फसल है तो क्या है? वह है अनानास है। तो मेघालय कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल है। अनानास यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अतिरिक्त संतरा, केला, कटहल और आदि मेघालय के प्रसिद्ध फल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन है? तो वह है कर्नाटक। कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन राज्य कर्नाटक है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। सबसे उत्तम रेशम जो होता है शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? तो कौन सा गैर खाद्य फसल है? वह है फाइबर फसलें। इसमें देख लेते हैं तो फाइबर फसलें जो होती हैं गैर खाद्य फसल है। फाइबर फसलें उनके तंतुओं के लिए उगाई जाने वाली फसल है जो परंपरागत रूप से कागज, कपड़ा, रस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे जूट, कागज, कपास आदि। जबकि काफ़ी गन्ना तेल बीज खाद्य पदार्थ हैं। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में से कौन सी फसल उगाता है? तो कौन सी फसल? गेहूं। विश्व में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं उगाता है। गेहूं उत्पादन मात्रा में चीन के बाद भारत है। चावल विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम तथा भारत द्वितीय स्थान पर है। कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है और उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल के बारे में देखें तो पश्चिम बंगाल में उत्पादन जो होता है चावल, मछली और जूट। केरल में नारियल और मसाला। उत्तर प्रदेश में आलू, गन्ना, गेहूँ। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो वह है चावल। चावल की खेती सबसे सर्वाधिक होती है। तो चावल हमारे देश की सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के उत्पादन के लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस तथा भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा चावल की कृषि में शोधरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका हो जाएगा गेहूं जो है आपका रबी का फसल है, यही आपका सही होगा। बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें आगे देख लेते हैं तो गेहूं रबी की फसल है। यह सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं दोस्तों तो यह निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत की प्रमुख पेय फसल जो है चाय है। इसकी भौगोलिक दशाएं जो है 150 से 250 सेमी वार्षिक वर्षा, 24 से 30 सेंटीग्रेड तक उच्च तापमान, 24 से 30 तक का उच्च तापमान, हरी एवं गंधक वाली मिट्टी आदि है। यह एक श्रम प्रधान कृषि है। चाय उत्पादन में असम प्रथम तथा पश्चिम बंगाल का स्थान इसमें द्वितीय है। अगला है अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को
35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है तो वह है रबड़। रबड़ की फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। रबड़ का जन्म जो है ब्राज़ील है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबड़ वृक्ष के दुग्ध लेटेक्स से रबड़ प्राप्त होता है। भारत में विश्व के उत्पादन का लगभग 1.7% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रबड़ उत्पादन में भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य अग्रणी हैं। अगला है, देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश के कुल दुग्ध का 17.22% उत्पादन के साथ शीर्ष पे है। वही दुग्ध उत्पादन में राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसम के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जा सकता है? तो यह कास्टिक चूना का प्रयोग करके इसमें बारे में देख लेते हैं। तो उपज में वृद्धि और सुधार है तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कास्टिक चूना का उपयोग किया जा सकता है। काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है। तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के बाद भारत में पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति, धूसर क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति और सदाबहार क्रांति की शुरुआत हुई। इनमें से काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से है। अगला है, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन हैं? तो वे हैं गुरुचरण सिंह कालकट। कौन है? गुरुचरण सिंह कालकट जो हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं। गुरुचरण सिंह कालकट एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक और वर्ष 2005 में पंजाब राज्य किसान आयोग के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये पंजाब में हरित क्रांति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1981 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारत में खनिज संसाधन, इसमें से कौन सा राज्य जो होता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है बॉक्साइट का वह है उड़ीसा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। वर्ष 2018-19 के अनुसार भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। इसके पश्चात झारखंड है, उसके पश्चात गुजरात है, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र का स्थान है। जादू घोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगुड़ा के खान जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वैनेडियम का प्रमुख है उत्पादक बन गया है? तो वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक जो है अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का प्रमुख वैनेडियम उत्पादक राज्य बन गया है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वैनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस में है। भारत में वैनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार जो है 24.63 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह कोयला के खदानों के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी। तो छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी जो है कोयले के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कोयला के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि पहले और दूसरे पे क्रमशः चीन और अमेरिका है। भारत में कोयला उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। सबसे पहला पे कौन है? उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे झारखंड है। एंथ्रेसाइट सबसे कम उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले को उद्योग की रोटी या काला सोना भी कहा जाता है। लोह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वह है उड़ीसा में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोह अयस्क की खान और संबंधित राज्य देखेंगे तो बादाम
बादाम पहाड़ या गुरु महिसानी जो है उड़ीसा राज्य में है, और नोवा मंडी या कोटामारी या बुरु या पलामू जो है वह झारखंड में है, और फिर डल्ली राजहरा बैला डीला रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में है, और बेलारी या केंद्र मुख्य पहाड़ी जो है कर्नाटक, और इसके अलावा बाबू बुदन पहाड़ी क्षेत्र भी क्या है कर्नाटक में ही है। आगे देखते हैं निम्न दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है, तो भारत में है। कहाँ पे है? भारत में अभ्रक एक खनिज है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अभ्रक का प्रमुख अयस्क जो होता है फीमाटाइट होता है। क्या होता है? फीमाटाइट होता है। आंध्र प्रदेश झारखंड बिहार राजस्थान में पाया जाता है। भारत में विश्व के 60% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक के तीन मुख्य किस्में हैं। पहला श्वेत अभ्रक या रूबी अभ्रक भी कहलाता है। पीत अभ्रक इसे फ्लोगोपाइट भी कहते हैं, और श्याम अभ्रक इसे बायोटाइट भी कहते हैं। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो क्या नाम है? वह है अंकलेश्वर। क्या नाम है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यह गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र को समृद्धि का फव्वारा कहा है। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा, यह लोहा और सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, यही आपका सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं तो अभ्रक जो है एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के परतों के रूप में पाया जाता है। यह पारदर्शक लचीला और ताप विद्युत निरोधक है। यह लोहा पोटेशियम सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। भूपर्पटी में अभ्रक का भाग जो होता है 5% होता है। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पचपट माली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? किसके? तो बॉक्साइट के। ठीक, बॉक्साइट को कोरापुट जिले में पचपट माली में बॉक्साइट खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण से किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लैटेराइट चट्टानों से संबंधित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के कालाहांडी संबलपुर बोलनगिर तथा कोरापुट क्षेत्र जो होते हैं बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? वह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम काले रंग का परमाणुवी खनिज है जिसकी प्राप्ति आर्कियन और धारवाड़ शैलों से होती है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो यूरेनियम को। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ के कडप्पा जिले में स्थित तुमलापल्ली जो है यूरेनियम खाद्यान्न देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खाद्यान्न है। झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो किस राज्य में हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके बारे में देख लेते हैं तो भारत के प्रमुख चार प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसमें जो है पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो इसको हेमेटाइट किस्म की लोहे की सर्वाधिक भंडार जो है वह उड़ीसा में पाई जाती है। लौह अयस्क भंडार के शीर्ष राज्य जो हैं वह कर्नाटक है, उड़ीसा है, झारखंड है। लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य एक भंडार में है और एक उत्पादक में है। तो उत्पादक में देखेंगे तो उड़ीसा पहले पे आ जाता है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, कर्नाटक जो है ये तीसरे पे है। ठीक है, अगला, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमाइट भंडार जो है सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं उड़ीसा में। क्रोमाइट जो है लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। अप्रैल 2015 के आधार पर देश में क्रोमाइट का अनुमानित संसाधन जो है वह 344.02 मिलियन टन है, जिसमें
102.21 मिलियन टन संरक्षित तथा 241.41 मिलियन टन संचित भंडार। संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से उड़ीसा का इस पर एकाधिकार 90% से अधिक है। झारखंड इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो वह है आपका लोहारडागा, गुमला और लतेहा, मतलब तीनों में पाया जाता है, मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका। तो झारखंड में लोहारडागा, लातेहर और गुमला आदि जिले में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोहारडागा को बॉक्साइट नगरी के रूप में भी जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार जो है वो है झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। भारत के झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, जबकि उड़ीसा दूसरे पे तथा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। भारत में निकाले गए कोयले में से 67% कोयला जो है विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत में कोयले का निष्कर्षण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान इसका चीन का है, दूसरा यूएसए का, तीसरा भारत का है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसमें सबसे शुद्ध जो कोयला होता है वह है एंथ्रेसाइट। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक है भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। यह पूरे देश का करीब 88.7% सोना निकाला जाता है। यहाँ कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिले से सोना निकाला जाता है, जबकि चीन विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? वह है क्या? तुमालापल्ली खदान। कौन सा है? तो तुमालापल्ली खदान जो है ये यूरेनियम खदानों में से सबसे बड़ी खदान है। इसके बारे में देख लेते हैं। तुमालापल्ली यूरेनियम एक्स खदान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए शोध के परिणामों में विश्लेषकों का यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह खदान दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार के रूपों में से एक हो सकती है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो वह है असम। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र जो है डिगबोई है। यह भारत के असम राज्य में तिनसुकिया जिले में स्थित है। 1901 में यहाँ से एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। यहाँ का नेल्लोर जिला जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार अभ्रक भंडार में आंध्र प्रदेश का 41% का योगदान है। किसका? 41% का। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा जो है आपका सूरत में होता है। हीरे के उद्योग के लिए गुजरात का सूरत और नौसारी शहर प्रसिद्ध है। सूरत में हीरे की कटिंग पॉलिशिंग का कार्य होता है। वर्तमान में विश्व में प्रचलित 10 हीरो में से 8 हीरो की कटिंग एवं पॉलिश जो होती है सूरत में होती है। सिंगरेणी खदान किस राज्य में स्थित है? सिंगरेणी खदान जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। सिंगरेणी कोयले की खान तेलंगाना राज्य में स्थित है। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ एवं तीसरे स्थान पर झारखंड है। अगला है डिगबोई खानों में से निम्न से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह है पेट्रोलियम। डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है। डिगबोई असम की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। एशिया प्रांत में पहली बार तेल कुएं का खनन जो है डिगबोई में हुआ था। वर्ष 1901 में यहाँ एशिया का प्रथम तेल शोधशाला भी स्थापित की गई थी। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थित है। तो कहाँ पे? असम में। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे अंकलेश्वर स्थित है? वह है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर है स्थित है। तो अंकलेश्वर जो है गुजरात राज्य के भड़ौच जिले में स्थित है। खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तेल की खोज जुलाई 1958 में हुई थी, जबकि उत्पादन जो है 1961 से शुरू हुआ। गुजरात राज्य में नौगा, कोशंबा, सनद नदी घाटी जो है
कदी, ओलपाद, कठाना, ढोलका आदि स्थानों से तेल का विस्तार है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो वह है मैग्नीज। कौन सा धातु हो जाएगा? मैग्नीज। बालाघाट खान जो है सतपुड़ा पर्वतमाला में मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में है। इस खान से मैग्नीज धातु का प्रचुर मात्रा में निष्कर्षण किया जाता है। भरवेली तथा उकवा यहाँ की मुख्य खदान है। भरवेली जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। मध्य प्रदेश राज्य जो है खनिज निगम की स्थापना जो 1962 में की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है? तो संगमरमर। संगमरमर पाया जाता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में। संगमरमर और अन्य इमारती पत्थर पाए जाते हैं। इन राज्यों में पाए जाने वाले खनिज जो हैं निम्नलिखित है। मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर है, पाइराइट्स है, एबेस्टॉक्स आदि हैं। सोनपुद्र में चाइना क्ले, सिलमेनाइट हो जाएगा, चूना पत्थर, कोयला हो जाएगा, पाइराइट्स आदि हो जाएगा। अगला, भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा में से निकाला जाता है, कहाँ से? तो हो जाएगा राजस्थान में से निकाला जाता है। उसके आगे देखते हैं तो कर्नाटक जो है वह स्वर्ण खनिज के लिए अग्रणी है, राजस्थान जो है जिप्सम और चांदी के लिए, झारखंड जो है कोयला के लिए, और उड़ीसा जो है लोह अयस्क और क्रोमाइट के लिए। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराई हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बॉक्साइट टर्शियरी युग में निर्मित लैटेराइट शैलों से संबंधित है, जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। यह अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल जिसे सिलिका का निक्षालय होता है, यह लौह भस्म के रूप में प्राप्त होता है। बॉक्साइट में 55-65% एल्मूना की मात्रा पाई जाती है। यह मुख्य रूप से रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवरा हिल के क्षेत्रों में प्राप्त होती है। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? डोलोमाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। बांदा जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा यदि 10% से अधिक हो तो वह डोलोमाइट कहलाता है। अगला, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। कर्नाटक राज्य है कि कोलार की खान सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दक्षिण अफ्रीका, चीन और एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर है। लोह अयस्क के निर्माण में मैग्नीज एक महत्वपूर्ण अवयव है। मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता है। अगला, हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो क्या पाई जाती है? तो तांबा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तांबा पाई जाती है। इसमें आगे देख लेते हैं, भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक जो क्षेत्र है उसमें झारखंड जो है, झारखंड में जो उत्पादक क्षेत्र वह सिंहभूमि और हजारीबाग है। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर और सिरोही है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है। मध्य प्रदेश में बालाघाट है। कर्नाटक में चीतल दुर्ग और हासन रायचूर है। अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्ड फील्ड के लिए, गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित रामगिरी जो है गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें, तो क्या हो जाएगा गलत? इसमें खेतरी जो है लोहा से संबंधित है, गलत हो जाएगा। खेतड़ी या खेतरी भारत के पश्चिम प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला जो है पीतल वस्तुओं और पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार गुजरात राज्य का सूरत शहर जो है हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है। किस रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। राजस्थान जो है तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है, जबकि उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है मध्य प्रदेश है, राजस्थान और झारखंड है। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। अन्य खनिज देख लेते हैं और उत्पादक देश है, तो मैग्नीज जो है आपका दक्षिण अफ्रीका और चीन में, लोहा जो है चीन और ऑस्ट्रेलिया में, बॉक्साइट जो ऑस्ट्रेलिया और चीन में, चांदी जो है मैक्सिको और पेरू में, यूरेनियम जो है कजाकिस्तान, कनाडा में, पेट्रोलियम जो है सऊदी अरब और अमेरिका में, थोरियम जो भारत और अमेरिका में।
कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है। भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। इस राज्य में सोने की खानें जो हैं धारवाड़, हासन और रायचूर जिले में स्थित है। यह राज्य भारत में 88.7% सोने का उत्पादन करता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। निम्नलिखित में से खदानें कर्नाटक में बहुतायक रूप से मिलती हैं। किसकी खदानें, तो सोने की खदानें बहुतायक रूप में मिलती हैं। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपका झारखंड राज्य में। तो सिंहभूम जो खान है ये झारखंड में स्थित है। सिंहभूम इस राज्य का सबसे पुराना जिला है। इस जिले के सिंहभूम खान में क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीज, कच्चा लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं। भारत में स्वर्ण क्षेत्र हैं, तो भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं, तो 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, भारत में कुल 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं, कोलार या हट्टी कर्नाटक में, अनंतपुर जो है आंध्र प्रदेश में, हीरा बुदुनी जो है यह झारखंड में है। कच्चा तेल में होता, कच्चा तेल होता है, तो कच्चा तेल कैसा होता है आपको बताना, तो यह गंधयुक्त पीले तथा काले रंग का तरल पदार्थ होता है कच्चा तेल। धरातल के नीचे स्थित औषधीय परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम कहलाता है, इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। कच्चा तेल जो होता है गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल है। भारत में दूसरा सबसे कच्चे तेल का उत्पादन का राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य दूसरे नंबर पे ये पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा कच्चे तेल के लिए, तो राजस्थान राज्य। भारत में बम्बई है, महाराष्ट्र जो है देश का पहला बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। बॉम्बे हाई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा उत्पादक राज्य जो है वह राजस्थान है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है, तो मोनाजाइट में आपका थोरियम होता है। क्या होता है, मोनाजाइट रेत में थोरियम होता है। इसके में देख लेते हैं, तो विश्व में भारत के पास थोरियम का सर्वाधिक संचित भंडार है। वह विश्व के कुल थोरियम का 75% उत्पादित करता है। भारत में थोरियम जो है मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट मुख्य रूप से केरल के बालू, कन्याकुमारी से लेकर केरल के क्यूलोन तक 160 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। इसके अलावा थोरियम जो है झारखंड हजारीबाग में, राजस्थान भीलवाड़ा, आंध्र प्रदेश करीमनगर में तथा तमिलनाडु के मदुरई में भी पाया जाता है। अगर निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो है कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के रूप में जानी जाती है, तो कौन सी घाटी हो जाएगी, तो वह है दामोदर घाटी जो कोयला भंडार के लिए जानी जाती है। गोंडवाना तंत्र का प्रमुख है कोयला क्षेत्र जो है दामोदर घाटी क्षेत्र जो कोयले भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जाना जाता है। भारत में कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा जो होता है गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना युगीन जो है कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर लोहे देश में लोह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। अब्रक किस राज्य में बहुतायक में पाया जाता है, तो किस राज्य में, तो बिहार राज्य में। अब्रक जो है अब्रक सीट के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि भारत के आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भंडारण 21% पाया जाता है। इसके बाद राजस्थान में 28% तथा उड़ीसा में 17% पाया जाता है। अतः प्रश्नकाल के समय अब्रक जो होता है भंडारण की दृष्टि क्रमशः आंध्र प्रदेश से बिहार, झारखंड, राजस्थान और झारखंड प्रमुख राज्य थे। अगला है मयूरभंज खाने निम्नलिखित धातुओं में से किसके लिए जानी जाती हैं, तो वह है लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। तो भारत में लौह अयस्क मुख्यतः प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। उड़ीसा भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। इस राज्य में क्योझर, बुनाई और मयूरभंज जिले प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। मयूरभंज से लगभग 20% लोहा प्राप्त होता है। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत मयूरभंज स्थित प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। अगला है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो वह हो जाएगा असम में। किस राज्य में, असम में। असम घाटी जो है तेल क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है। सर्वप्रथम असम में सन 1837 में सेना का एक अधिकारी द्वारा तेल की खोज की गई थी। डिगबोई भारत के असम राज्य में तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है, जहां वर्ष 1901 में एशिया का पहला रिफाइनरी को शुरू किया गया था। डिगबोई असम के तेल की नगरी के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र जो है बॉम्बे हाई है, अखिलेश्वर, केजी बेसिन आदि हैं।
अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वह है असम में। अंकलेश्वर और कलोल के दो तेल क्षेत्र कहाँ के? तो ये हो जाएगा गुजरात के। गुजरात, अंकलेश्वर और कलोल गुजरात राज्य के दो तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर गुजरात के वरुच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। कलोल अहमदाबाद में स्थित है। इसके अंतर्गत नौग्राम, ढोकला, कोशंबा आदि उत्पादक क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, जो अगला टॉपिक है यह भारत में प्रमुख उद्योग, इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।